हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बैक हुक सादा ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। और यहाँ पर हमारा कपड़ा ज़्यादा है, आपको 80 सेंटीमीटर कपड़ा लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तैयार लंबाई हमारी 13 इंच है, जिसमें हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 0.5 इंच पर हुक और आई की पट्टी के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 8.5 इंच। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे, बॉक्स बनाकर हमें गुलाई कर देना है। फिर हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है, जिसमें 0.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। और 1.5 इंच पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्मोल की गुलाई करेंगे। तो इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमें सीने का चौथाई भाग लेना होता है। तो सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है, तो इस तरह से हमें 34 इंच को आधा करना है। तो यहाँ पर आएगा 17 इंच। और 17 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है, तो इस तरह से हमें 26 इंच को आधा करना है। तो यहाँ पर आएगा 13 इंच। और 13 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.5 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है, ठीक है। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से बैक हुक सादा ब्लाउज की कटिंग करी है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे कि कटिंग किस तरह से करते हैं। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच और लंबाई रखनी है 4 इंच। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। फिर हम यहाँ पर कट लगा देंगे। तो इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो जो कपड़े की बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फिर हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 13 इंच है, जिसमें 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो उसको आधा करेंगे तो 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम 5.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई कर देना है। और शोल्डर की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है, जिसमें 0.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हमारी 6 इंच है, तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। और 1 इंच पर हमें आर्मोल की गोलाई करनी है, ठीक है। पीछे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखी थी। और यहाँ पर हमें सीने का चौथाई भाग 8.5 इंच पर निशान लगाना है। और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे, ठीक है। पीछे वाले पल्ले पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था।
कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है, जिसका चौथाई भाग हुआ 6.5 इंच, और 1 इंच का मार्जिन तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है, अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो जिस साइड से हमारी बंद साइड है वहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई 4 इंच रखेंगे। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो लंबाई में हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और 2.5 इंच का यहाँ पर गैप लेंगे। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो हमें 2.5 इंच का गैप लेना है और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचनी है। तो अब हम क्या करेंगे, चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो लंबाई में हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और 2.5 इंच का गैप लेंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो हमने एक तरफ से निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर पल्ले को खोलेंगे और इस साइड में करके दूसरी तरफ भी निशान को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए निशान लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से निशान लगा लेंगे, इससे जो हमारे निशान है वो अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्लेट का निशान और आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े में से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम यहाँ से निकाल लेते हैं और बचे हुए कपड़े को हम अलग कर देंगे। और यहाँ पर हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है नीचे फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच है, जिसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। तो 4.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 11 इंच है, तो 11 को 1/2 करेंगे तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से बाजू की गुलाई करेंगे और बाजू की चौड़ाई हम 7.5 इंच रखेंगे। तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे, ठीक है। फिर हम इस तरह से बाजू की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हमें बी सेंटर पर कट लगा देना है। और यहाँ पर हमें 1/2 इंच की गहराई देनी है। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देते हैं। ध्यान रखना है कि जो हमारा कट है वो आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और यहाँ पर हमारी बाजू की कटिंग हो गई है और इस तरह से आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और यहाँ पर हमने हुक और आई वाली पट्टी कटिंग करी है और इस तरह से हमने 2 और भी पट्टी कटिंग करी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बैक हुक सादा ब्लाउज की कटिंग करना सिखाया है और इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।